पिछले कुछ सालों में दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने अपने अंतरिक्ष अनुसंधान की क्षमताओं में खासी वृद्धि की है। अब इसके नतीजे भी उनको मिलने लगे हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने हाल ही में एक ऐसे बाह्य ग्रह एक्सोप्लैनेट की खोज की है जिसका आकार और स्थिति पृथ्वी की तरह है। आसान नहीं होता किसी ग्रह पर जीवन होना। आमतौर पर पृथ्वी जैसी जीवन समर्थक स्थिति दूसरे ग्रहों पर मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। खगोलीय दृष्टि से देखा जाए तो पृथ्वी के पथरीले ग्रह होने के साथ ही जीवन के लिए समर्थन करने वाली अन्य परिस्थितियां होना भी बहुत मुश्किल है। क्या कहा नासा ने इस खोज के बारे में? नासा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस खोज का ऐलान किया। अपने ट्वीट में नासा ने कहा कि हमें एक ही संसार मिला है, पृथ्वी के आकार का एक बाह्य ग्रह जो अपने सूर्य की जीवन संभाव्य योग क्षेत्र में स्थित है। वो क्षेत्र जहाँ पर ग्रह पथरीला होता है और उसके साथ ही वहाँ तरल पानी भी हो सकता है। कितना पृथ्वी की तरह है ये ग्रह। इस नए ग्रह को नासा ने केपलर 1649C नाम दिया है। इस ग्रह की खोज नासा ने अपनी केपलर ग्रह के पुराने डेटा का अवलोकन करते समय किया। ये ग्रह पृथ्वी से 300 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है। ये पृथ्वी से सिर्फ 1.06 गुना बड़ा है। इसका अनुमानित तापमान पृथ्वी के जैसा ही है और तो और ये अपनी 75% ऊर्जा अपने सूर्य से लेता है जैसे हमारा ग्रह करता है। जीवन की संभावना है क्या यहाँ? नासा के मुताबिक ये ग्रह एक छोटे लाल तारे का चक्कर लगाता है और यही वजह है कि इस ग्रह के पर्यावरण में जीवन होने की संभावना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इस बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इस तरह के छोटे लाल तारे गैलेक्सी में बहुत आम होते हैं। ज्यादा जानकारी मुश्किल था जुटाना। इस ग्रह के बारे में ज्यादा जानकारी मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये काफी छोटा दिखाई दे रहा था। ये इस तरह का तीसरा ग्रह मिला है जहाँ जीवन की संभावना हो सकती है। इससे पहले नासा ने टी गार्डन सी और ट्रैपिस्ट 1F जैसे पृथ्वी के आकार के दो और ग्रह भी खोजे हैं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।